सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आज का ब्लॉग यही से स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, आज है संडे और संडे के दिन सब लोग फ्री हैं। तो पहले हम लोग मार्केट पे आ गए हैं। चंचल का जो मेन स्टैंड है, इनको हम लोग स्टैंड ही बोलते हैं, तो आज लाइन नहीं है, इसीलिए सिग्नल भी नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही चला जा रहे हैं। मतलब सिग्नल तोड़ के जाएंगे तो 500 रुपया लगेगा हमको फाइन। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि थंबनेल देख के। आज हम जा रहे हैं माधवपुर ब्रिज में, वहाँ पे ऐसे ही चाय पीने के लिए। क्या करें, चलो चलते हैं। ये हमारा चाचंज का दिसारी है जो बहुत पुराना है, और एक नया है ये सामने वाला, ये आराध्य है। सामने एक पेट्रोल पंप है, फिलहाल हमारे पेट्रोल है इसलिए हम नहीं डलवा रहे हैं, सीधा चलते हैं। सो घूमने के लिए हम 3 आदमी जा रहे हैं, 2 नल्ले और मैं बेरोजगार। चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं आशापुर के मार्केट में, जो चाचल से 10 किमी है, और इनके बाद 3 किमी के जाने के बाद हम लोग माधवपुर ब्रिज में पहुंच जाएंगे। तो चलिए भाई लोग चलते हैं। इधर एक मेला भी लगता है, जो इधर से भी जा सकते हैं सामने वाले पास रोड से। और आशापुर में एक पेट्रोल पंप भी खुला है, जो कि बहुत अच्छा किया है। आज दिन भी बहुत अच्छा था, और इधर आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। बहुत सुनसान है और रास्ता भी बहुत क्लियर है, पास में बहुत पेड़ भी है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो सामने है उधर है ब्रिज, और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे उधर। अब हम पहुंचने वाले हैं। और एक और भी चीज़ अच्छी बात है कि माधवपुर ब्रिज में एक छोटा सा पार्क है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और अब हम आ गए हैं ब्रिज में। अभी हम लोग आ गए हैं चाय पीने। इधर का चाय बहुत मस्त है। अंकल जी को मैंने बोला कि थोड़ा कुछ नमकीन दे दो खाने के लिए, तो आ रहे वही देने के लिए। भाई खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैंने बोला कि अंकल चाय लगा दीजिए, मस्त मार के बहुत मज़ा आएगा। और अंकल जी हमको भी देखता है, बोलता है क्या करता है तो फोन पर। मैंने बोला आपका वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिए कैसा लगता है आपको वीडियो में। उनके बाद हमारा चाय तो मस्त मार के बन गया यार। अभी हम लोग उसको देने के लिए आएगा अंकल यार, खाएंगे।
अगर वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर तो ज़रूर करना।